जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, जी वाई ए एन एस आई आर। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाय करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे और इस वीडियो में जनवरी से जुलाई 2024 यानी लास्ट 7 महीने का कवर किया गया है और यह वीडियो आपके आगामी उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम लगने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में इसका एक नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 2024 के उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है ऋतु करिदल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। ऋतु करिदल यह इसरो के वैज्ञानिक हैं और यह लखनऊ से हैं और नवीन तिवारी जो है यह एक कानपुर के उद्यमी हैं और इन दोनों को जो है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है 2024 के। अगला है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सेटेलाइट सेंटर का इसकी जो है आधारशिला रखी है। इसने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। अगला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए जो चुना गया है वह 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है यह नागर शैली में हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में जो पुरस्कार जीता है वह उत्तर प्रदेश की वाराणसी और प्रयागराज ने जीता है। इन दोनों शहरों को जो है सबसे स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से उत्तर प्रदेश के दो बच्चों को सम्मानित किया गया है, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव को। और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है यह 2024 में कुल 19 बच्चों को प्रदान किया गया जिसमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं और इन्हीं में जो है उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे शामिल हैं, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव। अपने समस्त वार्डों के 3D अर्बन स्पेशियल डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला देश का जो पहला शहर होगा वह वाराणसी होगा। स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में जो है उत्तर प्रदेश को लीडर कैटेगरी में शामिल किया गया है। देश का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य जो बनाया जाएगा वह मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा जिसका वित्त पोषण जो है वह केंद्र करेगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया हाल ही में और इनका जो जन्म हुआ था वह रायबरेली में हुआ था। मुनव्वर राणा जो है यह रायबरेली से थे। जनवरी 2024 में लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन जो है वह आदित्यनाथ योगी ने किया था। हिंदी और भोजपुरी के प्रख्यात कवि गीतकार साहित्यकार पंडित हरिराम द्विवेदी का निधन हो गया और इनका जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुआ था, जिनका हाल ही में निधन हो गया और यह एक प्रसिद्ध कवि थे। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडस फूड 2024 का जो उद्घाटन किया गया वह पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था और इंडस फूड 2024 का जो आयोजन है यह ग्रेटर नोएडा में किया गया और यह ग्रेटर नोएडा जो है यह गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया और यह जो है रामपुर सहसवान घराने से संबंधित थे, उस्ताद राशिद खान जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन देश के दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे जो है यह कुल 12 जिलों से गुजरेगा और इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। यह मेरठ से शुरू होगा और प्रयागराज तक जाएगा। 12 जिले कौन कौन से हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये कुल 12 जिले हैं। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में लगातार 3रे वर्ष जो है प्रथम स्थान पर रहा अपना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पहले फ्लोटिंग रेस्तरां का जो उद्घाटन किया है वह प्रयागराज में किया है। आपदाओं की चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र जो लॉन्च किया गया है यह लखनऊ में किया गया है। राहत वाणी केंद्र जो स्थापित किया गया है वह लखनऊ में। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल हवाई अड्डों की संख्या जो हो जाएगी वह 19 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने नव अयोध्या के तहत जो योजना लॉन्च किया है वह पेइंग गेस्ट योजना लॉन्च किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है वह पिंकी को नियुक्त किया गया है और यह मिर्जापुर से हैं पिंकी। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने 500 एकड़ में फैले दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कैंपस जो बनाया है वह कानपुर में बनाया गया है। इसके द्वारा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा और यह जो है 500 एकड़ में फैला होगा। 19 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का जो शिलान्यास किया है वह उत्तर प्रदेश के संभल जिले में किया है। आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। 17 से 27 फरवरी 2024 तक आगरा जिले में 32वें ताज महोत्सव का आयोजन किया गया और इसकी जो थीम रखा गया है वह संस्कृति और समृद्धि इसकी थीम है। SJVN लिमिटेड ने अपने 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक जो संचालन शुरू किया है यह कानपुर देहात में किया है। देश में सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला जो चौथा राज्य बना है वह उत्तर प्रदेश बना है। इससे पहले गुजरात उड़ीसा और तमिलनाडु ने जो है यह नीति बना चुके हैं। 23 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का जो आयोजन किया गया वह कुल 7 जिलों में किया गया। 7 जिले कौन कौन से थे? झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट और बांदा जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं 7 जिले वहां पर जो है इसका आयोजन किया गया 23 जनवरी से 18 फरवरी तक। उत्तर प्रदेश सरकार नए वित्त वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए प्रदान करेगी? 25,000 रुपए। पहले यह राशि जो है 15,000 हुआ करती थी, अब सरकार इस पे 25,000 रुपए लाभार्थी को प्रदान करेगी। दोस्तों अगर आप UPSC RO री एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको फुल स्टडी मटेरियल, डेली क्लासेज, डाउट क्लियरेंस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज सब कुछ जो है आपको एक जगह प्रोवाइड की जाएगी और इसके लिए जो फीस रखी गई है वो मात्र 5,000 रुपये रखी गई है। अगर आप डाउट क्लियरेंस का ग्रुप नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो फीस रखा गया है वह 3,500 रुपये रखा गया है। इसमें आपको डाउट क्लियरेंस ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा, बाकी जो है सारे फीचर वही होंगे, सिर्फ आपको डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप नहीं मिलेगा। अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपको स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस दोनों दी जाएंगी, इसके लिए जो फीस रखा गया है वह 2,500 रुपये रखा गया है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 1,200 रुपये रखी गई है और इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं पेड क्विज, तो इसके लिए जो फीस है वो सिर्फ 900 रुपये है और इसमें कम से कम जो है 5,000 से क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 8564880530 या 7523864455 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 10 से 12 फरवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया गया वह लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1500 एकड़ में एयरो सिटी बनाने की जो घोषणा किया है वह लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार 1500 एकड़ में एयरो सिटी स्थापित करेगी। वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-24 के तहत वाटर वॉरियर के रूप में जो विजेता चुना गया है वह नोएडा को चुना गया है। आदि शिव प्रतिमा स्थापित जो की जाएगी उत्तर प्रदेश में वह नोएडा में स्थापित की जाएगी और इसकी जो ऊंचाई होगी वह 242 फीट होगी और इसकी जो स्थापना किया जाएगा वह ईसा फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार अत्याधुनिक केंद्रीकृत भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS डेटा सेंटर जो स्थापित करेगी वह अयोध्या में स्थापित करेगी। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक जो बनाया जा रहा है वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया सेंटर की तर्ज पर खेलो UP सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है और यह सेंटर जो है ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाएगा। हर ब्लॉक में खेलो UP सेंटर स्थापित किया जाएगा।
2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की जो संख्या है वह 371 है और भारत में तेंदुओं की जो आबादी है वह 13,874 है। यह रिपोर्ट जो है 2022 की है, जो हाल ही में जो है जारी की गई है। तहसील स्तर पर फायर स्टेशन बनाने वाला जो देश का पहला राज्य होगा वह उत्तर प्रदेश होगा। 5 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है और इससे वर्ष 2028 तक सालाना ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह 10 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। 10 मार्च 2024 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास किया है यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 100 अविकसित शहरों के विकास को गति देने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम शुरू किया है। कितने शहरों को विकसित करने के लिए? 100 अविकसित शहरों को विकसित करने के लिए आकांक्षी शहर कार्यक्रम। हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वह उत्तर प्रदेश बना है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद करने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत ऐप 2.0 लॉन्च किया है। हाल ही में विनय ने मिस्र में पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और विनय जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2000 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया और इस फैसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना माई युवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना के तहत 10 वर्षों में 10 लाख नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना करने का जो है लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त जो नियुक्त किया गया है वह राजकुमार विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत मजदूरी को जो है 7 रुपये वृद्धि की गई है और पहले 330 रुपये थी और अब जो वृद्धि हो जाएगी वृद्धि के बाद वह 337 रुपये हो जाएगी और यह जो है 2024-25 के लिए लागू किया गया है। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मिशन भरोसा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मिशन भरोसा जो लॉन्च किया गया है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके तहत जो है स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में उत्तर प्रदेश 6.46 बिलियन डॉलर के साथ देश में तीसरे स्थान पर रहा। निर्यात के मामले जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के मामले उत्तर प्रदेश वित्त वर्ष 23-24 में तीसरे स्थान पर रहा। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ऐतिहासिक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंडी मेला का आयोजन किया गया। कब किया गया? अप्रैल 2024 में और इसका आयोजन जो है मेरठ जिले में किया जाता है। हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली कुलपति जो बनी है वह नईमा खातून बनी है। नईमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने 18 अप्रैल 2024 को IIT कानपुर संस्थान के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में 25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने जा रहा फार्मेसी भवन इसका जो शिलान्यास किया है वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसे जो है फार्मेसी भवन को 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है यह कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। बुंदेलखंड क्षेत्र के महोबा जिले में टुस्को लिमिटेड द्वारा 1008 करोड़ रुपए की लागत से 155 मेगावाट की अर्जुन सागर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है? महोबा जिले में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों के भीतर राज्य के सभी 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की घोषणा की है। कितनी? 50,000। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है।
कितने 100। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत। 17 अप्रैल 2024 को चैत्र मास की रामनवमी के अवसर पर भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और यह संस्थान कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु में स्थित है। 24 अप्रैल 2024 में ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए BPCL भारत पेट्रोलियम के साथ जो है समझौता किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश केला उत्पादन में 5वें स्थान पर रहा। केला उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वित्त वर्ष 2023-24 में यह 5वां स्थान है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की तिरंगी बर्फी और ढलुआ धातुशिल्प को जो है यह GI टैग प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 50 ग्राम का ग्रीन स्मारिका चांदी का सिक्का जारी किया है। किसने? भारत सरकार ने। भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज जो बनकर तैयार हो गया है, यह कहाँ बना है? चित्रकूट जिले में तुलसी जलप्रपात है जो चित्रकूट में स्थित है, इसी पर जो है राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की कठिया गेहूं को जो है GI टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक मक्का का उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक तक जो बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लक्ष्य रखा है मक्का उत्पादन का 2027-28 तक वह 3.2 मिलियन टन रखा है। मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य 69 GI उत्पाद के साथ देश में जो है पहले स्थान पर आ गया है। यह मार्च का डेटा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का पहला खंड जो है यह अगस्त 2024 तक तैयार हो जाएगा। भारत की जो पहली शहरी रोपवे परियोजना स्थापित की जा रही है वह वाराणसी जिले में की जा रही है। हाल ही में वाराणसी के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने और समर्थन देने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम धरोहर काशी की का जो आयोजन है यह भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 32,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए। श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड महाशिवरात्रि जैसे अवसरों के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के साथ जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। अभिनेत्री सायरा बानो व हेमा मालिनी के समेत कुल 10 विभूतियों को जो है पंडित लच्छू महाराज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पंडित लच्छू महाराज सम्मान से जो है कुल 10 लोगों को सम्मानित किया जाएगा और इसमें सायरा बानो और हेमा मालिनी भी शामिल है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो अमेठी जिले के कुल 8 रेलवे स्टेशनों के नाम जो है बदले जाएंगे। 13 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ के जूनियर 30 टूर्नामेंट का शुभारंभ जो है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया। 3 मई 2024 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अतुल कुमार अंजान का निधन हो गया और इनका जो जन्म हुआ था यह लखनऊ जिले में हुआ था। और यह जो है अतुल कुमार अंजान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने विमान से एयर ड्रॉप के लिए 20 पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब का जो सफल परीक्षण किया है वह आगरा में किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन किया गया, कहाँ? वाराणसी में। हाल ही में जारी भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में लगभग कुल जो डॉल्फिनों की संख्या है वह 4,000 है और इनमें उत्तर प्रदेश में जो है 2,000 से अधिक हैं।
उत्तर प्रदेश में जो गंगा डॉल्फिन है वह 2000 से अधिक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाने में तमिलनाडु का नीलगिर जो है पहले स्थान पर रहा और यूपी का महोबा जिला जो है वह दूसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार लखीमपुर खीरी जिले में जो है बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार बायोप्लास्टिक पार्क जो स्थापित करेगी वह लखीमपुर जिले में। हाल ही में पूजा तोमर अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है और पूजा तोमर जो है ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में 2025 से 29 तक मोटो जीपी भारत का आयोजन किया जाएगा। कब तक? 2025 से 29 तक। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो 5वां टाइगर रिजर्व होगा वह सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करने के लिए जो है योजना का अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत ट्रांजिट हब के रूप में विकसित करेगी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया और यह बैंक जो है गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो स्थापित किया जाएगा वह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित किया जाएगा और यह दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र होगा एशियन किंग गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में 30,000 कृषि सखियों को जो है प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। कहाँ? वाराणसी शहर में। वीवो ग्रेटर नोएडा में भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्लांट स्थापित करेगा। वीवो स्मार्टफोन कंपनी कहाँ स्थापित करेगी? ग्रेटर नोएडा में। जून 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए कुल 2,869 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 2,869 करोड़ रुपए से जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित किया जाएगा और यह जो है वाराणसी में स्थित है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं यह अपने उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। थिंक टैंक संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य संपीड़ित बायोगैस का अग्रणी उत्पादक बन सकता है। CFC रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन की जो क्षमता है वह देश में सबसे अधिक है। CFC रिपोर्ट के अनुसार नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा कानपुर में कोयला आधारित घाटमपुर बिजली परियोजना विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के द्वारा। किस शहर में? कानपुर में। 22 जून 2024 को संत कबीरदास की 647वीं जयंती मनाई गई और इनका जन्म जो हुआ था वह वाराणसी जिले में हुआ था संत कबीर का। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के लिए एक समझौता किया है। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बनाई जाएगी वह ग्रेटर नोएडा में बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने टाटा सन्स के अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाने के 650 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी है। टाटा सन्स जो है यह अयोध्या शहर में मंदिरों का संग्रहालय बनाएगा 650 करोड़ रुपए की लागत से और इसी प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को डेट्रॉयट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। किस शहर को? वाराणसी शहर को। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट विकसित करेगी। कितने विकसित करेगी? 12 प्रमुख पर्यटन सर्किट उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नवगठित लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र में शामिल कितने जिले हैं?
इसमें कुल 6 जिले शामिल हैं। जैसे दिल्ली में NCR है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में SCR होगा, तो SCR में कुल 6 जिले शामिल होंगे। इसमें लखनऊ भी होगा, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ये 6 जिले शामिल हैं इसमें। और इनका जो कुल क्षेत्र होगा SCR का, वह 27,826 वर्ग किलोमीटर होगा। उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा जारी 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सारस की कुल संख्या राज्य में जो है बढ़कर 19,918 हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो सारसों की संख्या है वह इटावा वन प्रभाग में है, और इनकी संख्या जो यहाँ पर 3,289 है। 16 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम जो है यह प्रयागराज जिले में आयोजित किया गया। हाल ही में IIT BHU संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक अभिनव लैब ऑन चिप उपकरण का अनावरण किया है, और यह अभूतपूर्व सटीकता के साथ जो है प्रारंभिक चरण की बीमारियों को पता लगाने में सक्षम है। किसके द्वारा यह उपकरण विकसित किया गया है? लैब ऑन चिप का, यह IIT BHU के द्वारा। हरित परिवहन और पर्यावरण अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स में जो है 100% छूट की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है रोड टैक्स माफ कर दिया है हाइब्रिड कारों पर। हाल ही में आम महोत्सव जो आयोजित किया गया यह लखनऊ शहर में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है। मित्र वन पहल जो शुरू किया गया है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। 18 जुलाई 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सामाजिक सहकारिता शिविर का उद्घाटन किया। किसके द्वारा किया गया? यह राज्य मंत्री BL वर्मा के द्वारा किया गया, और इसका आयोजन जो है बदायूं जिले में किया गया था सामाजिक अधिकारिता शिविर का। दोस्तों, अगर आप UPSC RO 2024 री एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा रिकॉर्डेड क्लासेस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो कोर्स है बिल्कुल 800 रुपये में है, और इसमें आपको GS, जनरल हिंदी, करंट अफेयर, इन सब की जो है रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड की जाएगी, और इसकी वैलिडिटी जो है वह 6 मंथ होगी। इसमें आपको PDF नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग वीडियो देखकर अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो वो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत जो की गई है यह वाराणसी शहर से की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए के 154 से अधिक रक्षा विनिर्माण सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने करोड़ के? 25,000 करोड़ रुपए के 154 से अधिक विनिर्माण सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो शुरू किया गया है यह SPGI लखनऊ में शुरू किया गया है। संजय गांधी PGI है, वहाँ पर शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फसल विशिष्ट बोर्ड स्थापित करने की योजना बना रही है। फसल विशिष्ट बोर्ड जो स्थापित किया जाएगा यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA ID के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने का जो है कीर्तिमान स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।